अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर खरदमुना। तो आज बहुत ना मुझे गुस्सा है उन रूबरों पर जिनको अल्लाह ने कच्चे अच्छे खासे सब्सक्राइबर दे दिए हैं। जब अच्छे खासे उनके पास सब्सक्राइबर आ गए हैं, मतलब कि लाख में जो बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, तो कुछ यूट्यूबरों के मैंने वीडियो देखे, दो तीन की नाम नहीं लूँगा। वो कहते हैं जी छोटे यूट्यूबर हमें बदनाम करते हैं, ये करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। और मुझे बहुत गुस्सा आया यार कि अगर आज आपके पास मिलियन, 2 मिलियन, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर आ गए हैं, तो वो सब्सक्राइबर आपके अवाम हैं, वो कोई ऑटो सब्सक्राइबर नहीं है। और आप उसी अवाम को कह रहे हो कि ये हमारे बदनाम करते हैं, मतलब कि जो आपकी वीडियो देखते हैं बदनाम भी आपको वही कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर, पाकिस्तान के अलावा मैं बात करूंगा, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं, अगर ये अवाम है तो हमें। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर के पास, क्योंकि पैसा ज़्यादा है और गरूर तकब्बुर, और इनके अंदर जो है एक जिसको कहा जाता है हीरोपान, वो ज़्यादा है, तो इनकी नज़र में छोटा यूट्यूबर की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अंग्रेज़ है या इंडियन है, उनकी एक ना मतलब कि एक पॉलिसी है, एक तरीक़ाकार है कि वो अपने छोटे यूट्यूबरों को प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पैसे भी रिचार्ज करते हैं, पैसे भी लेते हैं, प्रमोशन भी किसी की नहीं करते। अगर करते हैं तो इतने पैसे लेते हैं कि वो जो इंसान देने वाला होता है वो यार मतलब कि कंगाल हो जाता है, और बदनाम भी उन्हीं को कर रहे होते हैं। एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी तकरीबन कोई वीडियो तो वैसे 6-7 दिन पहले की थी, तो वो उसमें कह रहा था कि ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, छोटे यूट्यूबर, ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं बड़ा हैरान रह गया उसकी ये बात सुनकर कि यार जो आवाम इसे सपोर्ट कर रही है, जो जिस आवाम की वजह से आज इसको एक फेम मिल रहा है, वही इसके लिए बदनामी की वजह से क्या क्या वही आवाम इसको, जिन्होंने इतने स्टेज तक पहुँचाया है, क्या उसके उस आवाम के लिए इसके लिए कोई, इस इंसान के दिल में कोई जगह नहीं है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ब्लॉगिंग हो, ब्लॉगर हो या किसी और कैटेगरी से हो, तकरीबन का यही है कि उनकी जो ऑडियंस है, उनके छोटे यूट्यूबर हैं तो वो उनको यही कहते हैं कि छोटे यूट्यूबर हमें बदनाम कर रहे हैं, छोटे यूट्यूबर हमारी वजह से फेमस हो रहे हैं। तो मुझे ये बताओ आप लोग कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, तो यार अगर कोई एक यूट्यूबर काम कर रहा है तो यार वो आपके पैसों पर कर रहा है, उसने अपना एंड्रॉयड या आईफोन रखा हुआ है, तकरीबन छोटे के पास तो एंड्रॉयड ही होंगे, तो एंड्रॉयड है तो उसने आपके पैसों से लिया है, उसने पैकेज आपके पैसे से करवाए हैं। नहीं, बदनाम कर रहे हैं तो बदनाम किस टॉपिक से कर रहे हैं वो भी तो बताओ। कुछ कहते हैं जी हमारी परमिशन के बगैर जब मिलते हैं तो वीडियोज़ बनाने शुरू कर देते हैं, यार नहीं बनाने चाहिए लेकिन गलत है। मुझे ये बताओ, जब आप लोग छोटे यूट्यूबर थे तो क्या आप लोग ऐसे काम नहीं करते थे, फेमस लोगों के पास नहीं जाते थे, उनके साथ वीडियोस नहीं बनाते थे? काफ़ी यूट्यूबर गए हैं यार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जैसे कि वो जो एक फैसलाबाद का यूट्यूबर है, मुझे उसका नाम भूल गया, वो गया था, बाकी भी यूट्यूबर गए हैं बड़े बड़े लोगों के पास, सेलेब्रिटीज़ के पास, एक्टर्स के पास, उनसे वीडियोज़ बनाई है तो फेम हुए। तो आप लोगों ने तो ये काम किया, अगर वो कर रहे हैं तो उन लोगों ने कौन सा गुनाह कर लिया यार? तो मैं यार जितने मेरे छोटे यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि एक साइड पर हो जाओ, खुद मेहनत करो, बड़े यूट्यूबरों की वीडियो ही छोड़ दो देखना यार। जब वो आप लोगों के लिए ये कह देते हैं कि ये तो हमें बदनाम कर रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो ना देखो, उससे बेहतर है आप अपनी मेहनत करो, अल्लाह आपको उससे ज़्यादा कामयाबी देगा। उनको एक गरूर तकब्बुर मिल गया, उनके लिए यही काफ़ी है, लेकिन आप लोग हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और मेहनत का फल जो है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात देती है। तो बस यही बात करनी थी, दुख हुआ है बड़े यूट्यूबरों की ये बात सुनकर कुछ की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर एक मैं बात ऐड करता चलूँ ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, जहाँ कुछ यूट्यूबर छोटे यूट्यूबरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एक ज़ैनुल आबिदीन, वो बशर सदीक और मुदस्सर सदीक का भाई, उसकी कभी मैंने कोई वीडियो नहीं देखी कि उसने कभी क्या अपने व्लॉग के अंदर, या वैसे कभी भी कह दिया कि यार छोटे यूट्यूबर हमें बदनाम कर रहे हैं।
मैंने उसको अगर कभी मतलब के देखा भी है ना, तो वो लोगों से प्यार से मिल रहा होता है। और मैं समझता हूँ जैन भाई की कामयाबी यही है कि वो हर किसी को रिस्पेक्ट देता है। तो यही करते हैं आज की वीडियो के एंड, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।